हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको गॉन कॉलर की जैकेट काटना दिखाऊंगा, वेस्ट कोट डबल ब्रेस की। जैसे ये हमारा अमेरिकन कॉलर का कोट है जिसमें टक्सीडो लगा हुआ है, ये कोट कट चुका है। इसमें मैं सिर्फ आपको जैकेट दिखाऊंगा जो अंदर वाला है, डबल ब्रेस का है, गॉन कॉलर में, सॉल कॉलर में जैकेट। चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। इसका मेजरमेंट 27 इंच की लेंथ है, 38 चेस्ट है, 38 ही वेस्ट है और 39 इंच की हिप है, शोल्डर 18 और नेक 16। सबसे पहले जैसे मैंने आपको तरीका बताया, इसे स्ट्रेट कर लो, फिर यहाँ से 1.5 इंच करीब उठा के कवर मार कर स्ट्रेट कर लो, फिर इसके कोने पे एक सीधा मार कर लो। ऐसे स्ट्रेट कर लेना, फिर इस वाले मार्के से यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फिर इसको स्ट्रेट कर लेना है। अब हमारा जो भी मेजरमेंट होगा सब इस वाले से होगा, क्योंकि ये तो चढ़ जाएगा, डबल ब्रेस हो गया, ये चढ़ जाएगा, ये हिस्सा अपना एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ से सारा मेजरमेंट होगा इस वाले मेजरमेंट। 27 इंच की लेंथ है तो हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा देंगे, 28 इंच। फिर यहाँ से हम 2.25 इंच डाउन कर देंगे। फिर हमने जहाँ से डाउन करा है यहाँ से रख के हम चेस्ट का छठा भाग लेंगे, 6 इंच 3 सूत, उसमें हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे। और ये हमारा आर्म होल का गिराव हो गया, यहाँ से लेके छठा भाग और उसमें 1.5 इंच प्लस। फिर यहाँ से हम 6.5 इंच पेट के मार का, फिर इनको सीधा कर लेना है। ये हो गया। अब यहाँ से हम नेक इसका 16 है तो हम वही 4 चौक 16 चौथाई, उसमें 2 सूत कम कर देंगे क्योंकि डबल ब्रेस की जैकेट है, 2 सूत हमने कम कर दिया। फिर यहाँ से अपना शोल्डर है 18 इंच, तो 9 × 2 = 18, उसमें 0.5 इंच ऐड कर देना है। फिर यहाँ पर हमारी चेस्ट है 38, तो इसकी चौथाई लेनी है, फिर उसमें 1.25 इंच ऐड कर देना है। फिर यहाँ पे वेस्ट भी हमारा 38 है, 9.5, फिर यहाँ पे भी 1.25 इंच, हिप हमारी 39 है तो यहाँ पे 39 का आधा चौथाई 10, यहाँ पे भी 1.25 इंच मार्जिन। फिर इसको शेप दे देना है। हमें यहाँ से 0.5 इंच ऊपर उठा देना है क्योंकि स्ट्रेट दामन का है, और इसको रख के ऐसे इस राउंडिंग को यहाँ पे ऐसे मिला लेना है। ऐसे ही हमें नीचे वाले हिस्से में ऐसे कर लेना, इस वाले मार्के को काट देना है। अब हमारी जो सिलाई होगी इस वाले मार्के पे, ऊपर वाले पे। इसको ऐसे राउंड देना है, ठीक है। इसमें बता दूं मैं आपको, जो चेस्ट है उसकी चौथाई करके उसमें से 1 इंच माइनस करा जाता है जैकेट के तख्ती में, तो ये 9 × 6 = 9.5 हो गया, इसमें 1 इंच मैंने माइनस कर दिया, ये 8.5 हो गया। यह हमारा अंदाज़ा इतना रहता है, रोज़ हमारा यही काम है, क्योंकि इसको ऐसे मिला लेना है। अब यहाँ से हमें पॉकेट की तिहाई भाग लेनी है, पॉकेट के लिए लंबाई की तिहाई भाग ऊपर उठाना है, यहाँ से 24, 25, 9, 27, ये हो गया 9 × 3 = 27, 9 पे मार्का लगाना है। फिर इस वाले मार्के से यहाँ से 2.25 इंच हटा देना है, फिर यहाँ से हमारी पॉकेट का मार्का तैयार करना है, 5.5 इंच कर देते हैं हम, फिर इसका आधा 2.75 इंच, फिर इनको सीधा कर लेना है। अब एक बार हम फिर से फोटो देख ले, इसमें फोटो में हमारे बनाया मतलब 1, 2, 3, 4, 8 बटन, मतलब 4 बटन हमें सेट करने हैं इसमें। तो यहाँ से हम पहला 3.25 इंच ऊपर उठा लेंगे, यह हमारा पहला बटन, फिर यहाँ से 3 इंच ऊपर, यह हमारा दूसरा बटन, फिर यहाँ से 3 इंच ऊपर, यह हमारा तीसरा बटन,
फिर यहाँ से 3 इंच ऊपर ये हमारा चौथा बटन, चार बटन देखना है, ये कुछ ज़्यादा ही डीप हो रहा है तो हमें अपना अंदाज़ा लगाना है इसमें, बस ज़्यादा डीप ना हो ज़्यादा ऊपर भी ना हो। तो यहाँ से हम 3.5 इंच लगा देंगे, फिर यहाँ से 3 इंच लगाया था हमने, 3.25 इंच लगाएंगे, यहाँ से भी 3.25 इंच, फिर यहाँ से भी 3.25 इंच, ये हमारे चार बटन आ गए 3.5-3.5 इंच पे। फिर हमें ना किस तरीके से बन रहा है इसकी नपेल, ऐसे आके चौड़ी आके यहाँ से ऐसे राउंड हो रही है, तो वैसे ही हमें इसको राउंड करना है। सबसे पहले हम इसको ऐसे करके इस पे करके यूं मिला लेंगे, यहाँ से 2.5 इंच मान लो, 2.5 इंच की नपेल हम दे देंगे। फिर इसको जैसे हमने गॉन कॉलर की कोट में शेप दिया था सेम वैसे ही देना है। सलमान बोला कौन है फेरी यहाँ से थोड़ा हटा के इस तरीके से शेप देना है, फिर हमें इसको ऐसे राउंड कर देना है। ये इस तरीके की गौन हमें चाहिए, ये हमारा फ्रंट तैयार हो चुका है और इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से थोड़ा पहले एक्स्ट्रा ही काटेंगे ऊपर, फिर यहाँ से बराबर काटेंगे। फ्रंट में हमें मार्जिन नहीं छोड़ना, मार्के पे काट देंगे। फिर इसको यहीं से जिस शेप में मार्का है उसी शेप में इसकी कटिंग कर देंगे। उसके बाद इसे सीधा काट लेना है, फिर नीचे से कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट तैयार हो गया, अभी हमारा ऐसे घूम के आज तरह का चावा गलम कांचे।